जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो बस सुबह का सारा काम हो चुका है और टाइम हो गया है लंच बनाने का, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज कुछ मन हो रहा है कि देसी अंदाज में कुछ बनाया जाए, और ठंडियाँ स्टार्ट हो रही है तो कुछ रोटी भी अलग तरीके की, और आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ कि कुछ रोटी ऐसी होती है जो हम लोग को पक्का खाना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोज में भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं आज का लंच, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। साथ में तो देख ही सकते हैं ना, जब भी ये वीडियो जाएगा मैं बनाऊंगी और आप देखेंगे, तो साथ में ही बनाए ना हम लोगों ने लंच। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे ले लिए थे मैंने 4 बड़े बैगन और उनको मैं कर रही थी अच्छे से वॉश। तो बैगन देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम बना क्या रहे हैं देसी अंदाज में। तो आज बना रहे हैं बैगन का चोखा, रागी की रोटी और एक स्पेशल टाइप की खीर। तो ये चारों बैगन अच्छे से धुल के इनको अच्छे से कपड़े से मैंने पोंछ लिया। एक ट्रिक यहाँ पे ये है कि आप लोग जब भी बैगन वॉश कर लेते हैं उसके बाद उसमें हल्का सा सरसों का तेल लगा के ऐसे भुनेंगे, इससे जो छिलके होते हैं ना बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ये जो हम लोग गैस पे यूज़ करते हैं जो भुनने वाली जाली मिलती है उसी पे किया, लेकिन बाद में मुझे लेट हो रहा था तो मैंने क्या किया, बर्नर पे ही चारों बैगन जो थे वो रख दिए, क्योंकि सीधा ऐसे भुनने से ना एक अलग सी उसमें मतलब जो भुनने वाली स्मेल होती है ना सौंधी सौंधी सी, वो आती है। और लेट भी मुझे हो रहा था तो मैंने चारों बैगन बर्नर पे ही रख दिए थे। इससे सफाई का काम तो मेरा बाद में बढ़ गया था, लेकिन भाई खाने में जो मज़ा आता है ना, ये जो सौंधी वाली स्मेल होती है एकदम ठंड में, वो उसका मज़ा ही अलग है। तो देखिए चारों बैगन अच्छे से हो गए हैं। अब साथों साथ हम लोग यहाँ पे भी सेम ट्रिक में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के टमाटरों पे इनको भी अच्छे से भून लेंगे, और ये इस वाली जाली जो मिलती है इसमें आराम से इसमें रख के, क्योंकि ये होते हैं छोटे। और यहाँ पे मुझे लहसुन और जो मिर्ची होती है उसमें भी अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर जो होता है वो देना था। तो मैं क्या करती हूँ, जो तड़का वाला पैन होता है छोटा वाला जो फ्राइंग ये वाला, इसी में ही मैं लहसुन और मिर्ची दोनों डाल के इनमें भी थोड़ा टाइम तक हल्का सा, इसमें आप अगर चाहें तो हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं, उससे वो थोड़ा सा जल्दी से भुन जाते हैं। और सेम स्मेल मतलब जो सौंधी सौंधी चूल्हे वाली स्मेल होती है ना कंडों पे भुने बैगन वगैरह की, सेम वही एकदम इसमें खाने में भी वही स्मेल और स्वाद सुगंध जो कह लीजिए वही सारी चीज़ें आती हैं। अब उन सारी चीज़ों को जो हमने भुनी है चोखे के लिए उन सबको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब तैयारी करते हैं एक अनोखी खीर की। तो इसके लिए मैंने लिए 7 व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस, इनको हाथों से एक बोल में आप अच्छे तरीके से इस तरीके से तोड़ लेंगे। और ब्राउन ब्रेड यहाँ पे मत यूज़ करिएगा क्योंकि व्हाइट ब्रेड में इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो हाथों से इस तरह के हम लोग सारे ब्रेड्स को अच्छे से मसल मसल के तोड़ लेंगे। अब इसमें हम लोग बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉर्नफ्लोर आप ज़्यादा डाल देंगे तो उसमें पूरा वही टेस्ट आएगा। इस फिर हम लोग इसको गूथेंगे दूध में। तो दूध को ठंडा करके थोड़ा थोड़ा हथेलियों में इस तरीके से लेके, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सावधानी बहुत बरतनी है कि दूध बिल्कुल ज़्यादा ना हो। अगर दूध ज़्यादा हो गया तो फिर आपका डो बहुत ही ज़्यादा गीला बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध लेते रहिए हाथ में इस तरीके से, और अपने अंदाज के हिसाब से आप उसको एक आटे का डो हम लोग यहाँ पे इस ब्रेड क्रम्स का बना लेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा लेके, और इसको आप जैसे ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाता है जैसे आटा होता है ना सेम उसी तरीके से लास्ट में आ जाता है, तो इसको आप या तो अगर इतना इसमें गूथने के बाद भी इसको आपको थोड़ी देर तक अच्छे से हाथ की हथेलियों से वो मैश करना पड़ेगा, मतलब गूथना थोड़ा सा मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो बीच में आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि बॉल्स आपके अच्छे से सॉफ्ट बने। तो वो प्रोसेस मैं यहाँ पे वही कर रही थी कि खूब अच्छे से हाथों से मैं इसको मसल मसल के ताकि जो बॉल्स हमारी इसकी बने बहुत ही सॉफ्ट आएँ। अब हाथों की हथेलियों में लगा लेंगे थोड़ा सा घी, और आपको जितनी बड़ी बॉल्स चाहिए इस आटे की मींस की ब्रेड के आटे की उतनी बड़ी बॉल्स आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाई थी, आप चाहें तो इससे छोटी रखिए, वैसे थोड़ी छोटी बॉल्स रहेंगी तो उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो ये देखिए सारे जितना भी हमारा ये ब्रेड वाला आटा है इसका हम सब इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे, और
मतलब एक चीज़ इसमें है कि अगर आप इसको छोटे छोटे, बहुत छोटे, एक बार छोटे छोटे बॉल्स बना के डालते हैं ना, तो वो भी शायद बहुत अच्छा लगे। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही बॉल्स रखे थे। तो सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से, सारी बॉल्स हमारी रेडी हो गई है। देखिए अब इसको हमको करना है फ्राई। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लेके उसमें डाल दिया था घी, क्योंकि ये बॉल्स आप घी में फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार घी को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर गैस को थोड़ा सा धीमा कर लीजिए, क्योंकि अगर एकदम आप तेज़ आँच पे इन बॉल्स को कर देंगे तो ये अंदर में से वो टेस्ट जो घी का जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए कि थोड़ा सा धीमा करके गैस, तब ये बॉल्स अच्छे से फ्राई करिए। और इस तरीके से सारी जो बॉल्स है गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएं, तब उनको निकाल लीजिए। अब सेम पैन में हम लोग इस तरीके की सेवियाँ, ये मोस्टली जब रमज़ान या ईद टाइम होता है तो उस टाइम मार्केट में आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आपको ये ना मिले तो आप कोई भी सेवियाँ यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं। तो ये सेवियाँ हल्की सी पहले से फ्राई थी, लेकिन मुझे इसे घी में थोड़ा सा और अच्छा सा कलर देने के लिए भुनना था, तो यहाँ पर मैंने वही थोड़ा सा बचा हुआ घी था उसमें अच्छे से फ्राई कर लिया। अब यहाँ मैंने रख दिया है लगभग 1.5 लीटर के लगभग दूध बॉयल होने के लिए। इसको हम लोग हल्का सा गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा करने की दूध ज़रूरत नहीं है। और एक कटोरी में यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। इसको आप अच्छे से गुनगुने दूध में मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई लंप्स ना रहे। तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया है हमारा कस्टर्ड पाउडर दूध में। अब साथों साथ जब दूध में अच्छे से 2-3 बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे उसमें जो हमने सेवियाँ फ्राई करके रखी है, और सारी सेवियाँ आप इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। जब इस दूध में ये सेवियाँ पक जाएगी तो मतलब अच्छे से, जब आपको लगे कि 1-2 बॉयल में, ये सेवियाँ वैसे बहुत जल्दी पक जाती है, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। अब देखिए ये हमारी सेवियाँ लगभग पक चुकी है। सेवियाँ पकने के बाद अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर रखा है, अब टाइम हो जाएगा कि वो चीज़ हम, कस्टर्ड पाउडर जो है हमारा दूध में मिक्स किया हुआ, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इससे थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है खीर में, और खीर का जो टेस्ट भी होता है ना, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे, मतलब एक अलग ही टाइप की ये जो टेस्ट मिलेगा ना इस खीर में आप लोग को, ये अलग ही टाइप का रहता है। तो सेम वे हमारी यहाँ पे जब सेवियाँ हो गई, उसके बाद ऐड कर दिया मैंने कस्टर्ड पाउडर, उसको थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे। उसके बाद आप अपने टेस्ट के अनुसार, आपको कम पसंद है, ज़्यादा पसंद है, ऐड कर देंगे चीनी। और ये थोड़ा सा इसमें आपके पास, क्योंकि हमने दूध ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है, तो 1 या 2 स्पून अगर आपके पास मिल्क मेड हो तो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप उसमें ऐड करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब लास्ट स्टेप है हमारा इसमें कि हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ये जो बॉल्स है, ब्रेड बॉल्स, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 4 बॉल्स हम लोग बचा लेंगे बाद में ऐड करने के लिए। और ऐड कर दिया यहाँ पर हमने इलायची। दोस्तों इसमें आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐड किया है आलमंड। तो आप चाहें तो इसमें किशमिश हो गया या फिर काजू हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए अब हमारी खीर एकदम रेडी है, एकदम बॉल्स वाली खीर। तो अब हम प्रिपरेशन करते हैं हमारे चोखा का, या हमारी भाषा में बोलते हैं भरता उसका। तो यहाँ देखिए बैगन लगभग ठंडे हो चुके हैं, और देखिए सरसों तेल लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि आपके सारा छिलका बहुत ही आसानी से निकल गया है। तो इस तरीके से कभी भी आप चीज़ें भूनते हैं तो सरसों का तेल पक्का लगाइए। और मैंने यहाँ पर बैगन कट करके, आप लोग भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैगन में कीड़े होने का बहुत ही डर होता है, तो बैगन कट करके चेक कर लिया था कि किसी बैगन में कीड़े वगैरह तो नहीं है। और मेरे घर में मोस्टली ये होता है ना कि बच्चे भी ये जो इसके बीज होते हैं ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं चोखा वगैरह में, तो वही किया कि मैंने सारे लगभग 80% बीज मैंने निकाल दिए थे। फिर एक कुटनी में इसमें मैंने जो ये हमने लहसुन और मिर्ची को भुना था इसको भी अच्छे से यहाँ पे कूट लिया था। फिर टमाटर भी छील के डाल दिए, और जो हमने लहसुन और मिर्ची डाला है उसको भी कूट के हमने ले लिया इस बड़ी सी थाली में। अब इसमें हम काटेंगे 2 बड़े प्याज, तो यहाँ पे 2 बड़े प्याज भी काट दिए, हरी धनिया डाल दिया, और जो इसका जायका बढ़ाता है वो है हमारा देसी सरसों का तेल, और जो इसमें चमत्कारी फ्लेवर देगा वो है काला नमक। तो काला नमक उसके साथ साथ सफ़ेद नमक डालिए, पर काला नमक पक्का डालिएगा, इससे ये जो चोखा होता है इसका स्वाद इतना बढ़ जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। काला नमक और सरसों का तेल इसकी जान है, सफ़ेद नमक थोड़ा सा बाद में आप डालिए। ये सारी चीज़ें अच्छे से हाथों से, टमाटर वगैरह सब हमने मैश कर लिया यहाँ पे, ये सारी चीज़ें ऐसे मिक्स कर देनी है कि भाई एक बाइट में आपको मज़ा आना चाहिए
और आप कितना भी कोई भी खाना खाइए, लेकिन जब ये चोखा एक बाइट रोटी के एक बाइट के साथ उठता है ना और वो आपके मुंह में जाता है, तो उसका स्वाद वाह वाह क्या बात है। तो वैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक, और एक चोखा बनाते वक्त टेस्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता चलता है कि भाई क्या ज़्यादा है क्या कम, तो एक टेस्ट करना तो बनता ही है। तो इसमें टेस्ट भी बीच में कर लीजिए और देख लीजिए क्या कम ज़्यादा आपको लग रहा है। मिर्ची कम है तो मिर्ची काट के डाल दीजिए, और नमक कम लग रहा हो तो नमक डाल दीजिए। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, हल्का सा तीखा रहता है। वैसे हमने मिर्चियाँ इसमें ली हैं जो ना ज़्यादा तीखी है ना कम तीखी है, तो उसमें वही मैं हल्का फुल्का नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने टेस्ट करके वो भी डाल दिया। अब आती है बारी हमारी एकदम देसी अंदाज की ठंडी की और सर्व गुण संपन्न रोटी की, रागी की। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था रागी का आटा, और रागी की रोटी बनाने के लिए बस एक ही रोटी का आटा, जितनी रोटियां आपको चाहिए उस सब का आटा हम लोग गूंद गूंद के बनाते हैं और तुरंत ही इंस्टेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पहली रोटी बना रहे हैं, उसको ठंडे पानी से अच्छे से गूंथ लीजिए और दोनों हाथों में हल्का सा तेल लगा के, और ये रोटी हल्की सी मोटी ही बनती है तो इस तरीके से देखिए दोनों हाथों में दबा दबा के हल्का सा पानी लगाते लगाते इस तरीके की हमने रोटी डाल दी। और ये याद रखिएगा कि जब भी रोटी रागी की रोटी वगैरह आप बनाएं तो तवा थोड़ा सा गर्म ही रहे, ठंडे तवे पर रोटी बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि ये रोटियां हल्की सी होती हैं मोटी। तो एक तरफ इस तरीके से हमारी रोटी सिक चुकी है, थोड़ा सा इसमें पेशेंस और इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये रोटी थोड़ा सा टाइम लेती है होने में, और इंस्टेंट जब बनानी होती है तो उतना नहीं आता कि और आटे में मिक्स करके इस, और रागी के आटे की क्या बात की जाए। रागी का आटा अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में किसी भी तरीके का जो दर्द वगैरह हो गया, सबसे रिच रागी का आटा कैल्शियम में होता है, आपकी बोन्स को बहुत ही स्ट्रांग करता है। तो इस तरीके से देखिए रोटी को मैंने चारों तरफ से एकदम चूल्हा स्टाइल ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल घुमा के अच्छे से उसे सेक लिया, और घी, क्योंकि रोटियां जो होती हैं इसमें पक्का आपको एक चम्मच घी लगाना ही लगाना है, टेस्ट भी बढ़ता है और ये थोड़ी सी ड्राई टाइप की इस तरीके की रोटियाँ होती हैं। तो बस ये देखिए मैंने सारी चीज़ें निकाल दी यहाँ पे, और ये हमारी थाली एकदम देसी अंदाज की और देसी तरीके से फैमिली ने, ये देखिए धूप में बढ़िया से चटाई बिछाई और सबने अपना लंच एकदम, दोपहर लगभग 3 बज रहे थे ये, क्योंकि बच्चे आते हैं 2:30 पे स्कूल से, तो लंच पे खाते खाते लगभग 3 बज ही जाता है। तो देखिए देसी अंदाज में सब परिवार वालों ने, मैं दे रही थी रोटियाँ सेक के, और सब ने अपना लंच इंजॉय किया। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।